हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर से वापस आ गए हैं। आज हम आपको क्या सिखाएंगे बताइए। आज हम आपको अंक की मात्रा के कुछ और आसान से शब्द सिखाएंगे, जिसे आप लिख करके अच्छे से याद करेंगे और अपनी कॉपी में उसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या सिखाएंगे आज आपको? अंक की मात्रा के शब्द, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ठीक है, अंक की मात्रा के शब्द। ठीक है, अंक की मात्रा के शब्द। अब सबसे पहला लिखते हैं हम रा, अंक की बिंदु, और गा। ये क्या हो गया? रंग। ठीक, फिर ये हमने लिखा नंबर दो आ, अंक की बिंदु, गा, अंग। ठीक है, फिर हम नंबर तीन लिखते हैं सा, अंक की बिंदु, गा, संग। रंग, अंग, संग, तीन। आइए नंबर चार अब हम लिखते हैं पा, अंक की बिंदु, जम, अ की मात्रा, पंजा। पा, बिंदु, जम, अ की मात्रा, पंजा। अब नंबर पाँच लिखते हैं आ, अंक की बिंदु, डा, आ की मात्रा, अंडा। ठीक है, फिर नंबर छः लिखते हैं ठा, अंक बिंदु, डा में आ की मात्रा, ठंडा। ठीक, फिर नंबर सात लिखते हैं जा, अंग बिंदु, गा, ला, जंगल। ठीक है, ये क्या हो गया? जंगल। फिर नंबर आठ लिखते हैं मा, अंग बिंदु, गा, ला, मंगल। ठीक है, फिर नंबर नौ लिखते हैं चा, चंद्र बिंदु, दा, और ना, चंदन। ठीक, फिर नंबर दस लिखा हमने चा, चंद्र, अंग बिंदु, चा, और ला, चंचल। क्या लिखा? चंचल। तो रंग, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं हम, रंग, अंग, संग, पंजा, अंडा, ठंडा, जंगल, मंगल, चंदन, चंचल। ठीक, ये हमने क्या लिखे? अंक की मात्रा के शब्द। ठीक है, तो अब आप सब लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और कॉपी में लिखकर अभ्यास करिएगा। ठीक है, और बच्चों बाकी और भी, जैसे आपके यहाँ स्टोरी बुक्स मम्मा से बोलो खरीदते, या जो आपकी पुरानी बुक्स रखी हों उसमें से स्पेलिंग्स जोड़ जोड़ कर पढ़ने का अभ्यास करिए, ताकि आपकी रीडिंग इम्प्रूव हो सके, आप आसानी से पढ़ना सीख सकें। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक टाटा, बाय बाय।